सुप्रभात बच्चों, वर्षष्ठ के बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं आप लोग को व्याकरण भाग में संज्ञा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा आप जानते ही हैं कि हम पढ़ चुके हैं, शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, एक विकारी और एक अविकारी। तो विकारी में आ जाता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तो उसमें हम विकारी शब्द में सबसे पहले संज्ञा जानेंगे। विकारी शब्द कहते किसे हैं, तो जिसमें लिंग वचन कारक वाच्य काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन होता है विकारी जो है संज्ञा का पहला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा। तो संज्ञा आप लोगों को पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा का मतलब होता है कि दुनिया की जितनी सारी वस्तुएँ हैं, दुनिया की जितनी सारी वस्तुएं हैं सबका नाम होता है, वही संज्ञा मीन्स नाम। तो सबका नाम होता है, परिभाषा जैसे कहिए, देखिए किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, आप जैसे भी कहिए। तो संज्ञा का मतलब समझ गए, दुनिया की जितनी सारी वस्तुएँ जिसका कुछ ना कुछ नाम हो वही संज्ञा है। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के यहाँ मुख्य तीन भेद माने गए हैं, लेकिन संज्ञा के हम लोग पांच भेद जानते हैं। तो वो जातिवाचक का दो रूप है, कौन कौन? तो जातिवाचक का दो रूप हो गया द्रवाचक और समूहवाचक। ऐसे संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक के बारे में जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा पहले ध्यान दीजिएगा, दुनिया की जितनी सारी वस्तुएं जिसका कोई ना कोई नाम हो संज्ञा है, यानी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या भाव के नाम का बोध कराने वाले सब संज्ञा कहलाते हैं, आप जैसे बोलिए। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्राणी वस्तु या स्थान का बोध होता है। आप जानते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्राणी, एक प्राणी का मतलब है, जैसे हम अगर हम लड़का बोलते हैं तो लड़का में लड़का की संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, लेकिन अगर हम वही लड़का का नाम अगर राम रखते हैं तो राम क्या हो गया, प्रश्न, यानी कोई खास नाम हो गया। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु का जो बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे यहाँ पर्सनल नाम हम बोलेंगे मोहन, तो मोहन जो है तो क्या नाम है, लड़का जाति का नाम है। कामधेनु क्या है, तो ये पशु में कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली गाय का नाम है। अयोध्या क्या है, शहर का नाम है। ये रामायण क्या है, तो महान ग्रंथ एक किताब का नाम है। उत्तर क्या है, दिशा का नाम है, दक्षिण दिशा का नाम है। चैत्र जो है महीना का नाम है। तो कोई किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध करा रहा है। अब हम दूसरा चलेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है, व्यक्तिवाचक में है किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, लेकिन जातिवाचक में है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति के, अब यहाँ देखिए एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थों प्राणियों या समूहों का ज्ञान होता है। एक ही जाति के संपूर्ण एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थों या प्राणियों का बोध कराता है। जैसे हम मानेंगे, जैसे हम किसी का नाम है अगर मोहन, तो मोहन हो गया ये लड़का जो हो गया ये हो गया जातिवाचक, लेकिन मोहन जो है वो व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ जो है जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति लड़का हुआ, और वो लड़का जाति के संपूर्ण पदार्थों, यानी लड़का के मतलब है दुनिया के जितने सारे लड़के, गाय का मतलब दुनिया की जितनी सारी गायें, तो यानी संपूर्ण जाति का ये बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे यहाँ देखिए भाई, लड़का, गाय, घर, फूल इत्यादि, यानी शहर, देश, जितना भी कहेंगे। अब देखिए इसी में अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद यहाँ माने जाते हैं। हम जानते हैं द्रववाचक और समूहवाचक, यानी संज्ञा के पांच भेद हैं, लेकिन यहाँ जातिवाचक के दो भेद बताया गया है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब हो गया वही तरल पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक जो नापा या तोला जाए, आप जैसे भी बोलिए, सोना, चांदी, लकड़ी, तेल, चीनी, दूध, ये सब नापने तोलने की चीज़ है। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, तो समूह जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। किसी समूह यानी जानते हैं समूह का बोध, यानी बहुत वहाँ पे जैसे सेना हो, भीड़,
सेना, सभा, दरबार, कक्षा, पुस्तकालय, ढेर सारी पुस्तकों का भंडार, तो केले का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या हो गया, सब समूहवाचक संज्ञा का बोध कराया। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, प्राणी के रूप, रंग, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराता है, यानी भाववाचक संज्ञा जो भाव का बोध कराता है, वो देखा नहीं सिर्फ अनुभव किया जाता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हंसी, खुशी, बुढ़ापा, आनंद, बेईमानी, ईमानदारी, ये सब क्या है, आपको अनुभव करने की चीज़ है। यानी जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी के रूप, दशा, अवस्था आदि का बोध कराता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपका एक अच्छा कार्य मान लीजिए, और इसी में याद करना है, अच्छा कार्य हो गया, आपको गृह कार्य फिर भेज दिया जाएगा। इतना याद कर लेंगे, फिर कॉपी व्याकरण की एक अलग कॉपी रखेंगे, उसमें सारे जितना हम दिखा रहे हैं व्याकरण भाग में सब नोट करते जाइएगा। हम मिलने पर फिर सुनेंगे, एक एक करके सब सुनेंगे। धन्यवाद।